और मैं आपके साथ ज्योति और मेरे साथ आज मेरी सहयोगी मंजू जी यहाँ पे है। आपको बता दी कि राजस्थान में ही चुनाव होने वाले हैं और सियासी जो सरगर्मी है वो बहुत तेज हो चुकी है। तो मंजू जी आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आएगी? फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले बीजेपी ने जो संकल्प यात्राएं चलाई थी, परिवर्तन संकल्प यात्राएं, उसका कुछ खासा यहाँ पर नजर नहीं आया क्योंकि ना तो लोगों की भीड़ वहां पर नजर आई और जहां वसुंधरा जी पिछले 4 सालों में कहीं नजर ही नहीं आ रही थी और अभी इतनी सारी पार्ट जब इनका देखा जा रहा है कि इतनी सारी संकल्प यात्राओं के दौरान इनके कार्यक्रम हो रहे तो वहां पर भी वसुंधरा राजे नजर नहीं आई, अभी हाल ही कुछ ही कार्यक्रमों में वो नजर आने लगी है। तो क्या लगता है आपको कि वसुंधरा जी का इस बार जो राजनीति में है वो कद घटा है? ऐसा लग तो रहा है कि शायद घटा है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि राजस्थान में केवल नारी शक्ति के रूप में एक वही चेहरा हमेशा से सामने आता है और अंत समय में कहते हैं ना कि अंत समय में वो जिस तरह से कूद रही है तो लग रहा है कि शायद अब वो ऊंचाइयों पर जाने की उनकी अभी जो प्रक्रिया चल रही है तो लगता है कि शायद वो कर पाएंगे। जी मंजू जी, जैसा कि आपने बताया कि वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा है, 2 बार पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन इस समय दिया कुमारी का भी राजनीति में कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? दिया कुमारी तो हमेशा से हर कार्यक्रम में जैसे कि चलती हुई नजर ही आ रही थी, वो हर कार्यक्रम में नजर आ रही थी, लेकिन अगर देखा जाए एक तरह से तो जितना वसुंधरा राजे का यहाँ पर वर्चस्व है उतना दिया कुमारी का नहीं है। हाँ, उनके फॉलोवर फैन बहुत ज्यादा है लेकिन लगता नहीं है कि दिया कुमारी एमएलए से ज्यादा सीएम की पोस्ट के लिए अभी आ पाएंगे। जी बिल्कुल मंजू जी, जैसा कि आपने बताया कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया है उनका चेहरा बहुत बड़ा है, उनका चेहरा ही होना बहुत बड़ा है, लोगों में उनकी बहुत ज्यादा पैठ है, लेकिन फिर भी ये चीज देखने में आ रही है कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। पिछले दिनों जो मोदी जी की सभा हुई थी वहां पे वसुंधरा जी के भाषण नहीं थे, जबकि अभी जेपी नड्डा जी यहाँ आए हैं तब वसुंधरा जी का भाषण हुआ है, 15 मिनट उन्होंने लोगों को संबोधन किया है और देखा गया है कि बहुत ज्यादा वसुंधरा राजे के नारे लगे गए हैं। आज भी लोगों में वसुंधरा राजे की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, लेकिन अगर यदि देखा जाए वसुंधरा राजे को सीएम फेस नहीं बनाते तो क्या कुछ भाजपा को इससे वोटों में कोई नुकसान होगा? लगता तो है कि वोटों में नुकसान होगा क्योंकि हमेशा से जो जनता है वो सीएम फेस में वसुंधरा राजे को ही देखती भी आ रही है, लेकिन अब उससे ज्यादा अगर हम दूसरे भी देखें नेता तो फॉलोवर फैन तो उनके भी ज्यादा हो चुके हैं, लोग उनकी तरफ भी मुड़ने लगे हैं क्योंकि पिछला अगर काम देखा जाए तो जनता यहाँ तक मानती है कि वसुंधरा राजे ने कुछ काम भी नहीं किया, तो हो सकता है कि इनकी जगह किसी और को भी लाया जाए। जी बिल्कुल मंजू जी, जैसा कि आपने कहा कि जनता वसुंधरा राजे के कामों से खुश नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जनता अशोक गहलोत को जिताने के मूड में लग रही है पूरी तरह से, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत ने योजनाएं चलाई है वो काबिले तारीफ है, लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि गहलोत सरकार रिपीट हो सकती है? हो सकता है क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्थान ही नहीं भारत में ही सबसे ज्यादा अगर किसी मुख्यमंत्री ने इतनी योजनाएं दी है तो वो राजस्थान में है और वो भी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इतनी योजनाएं तो हमने वसुंधरा राजे के में भी नहीं देखी थी, तो लग रहा है कि अशोक गहलोत आ ही सकते हैं। जी ये जो बताया गया है, लेकिन एक बात और सामने आई है मंजू जी जो लगातार सामने आ रही है कि जो कर्ज है राज्य सरकार पे कर्ज कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्री रेवड़ियां बांट रहे हैं उससे राज्य सरकार का कर्ज बढ़ता जा रहा है और जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह भी नहीं लग पा रही है, तो ऐसे में क्या राजस्थान सरकार रिपीट होगी? वैसे तो अगर राजस्थान का इतिहास हम उठाकर देखें तो 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस का ही रहा है, फिर भी इस बार सब जगह से अगर सर्वे किया गया है तो ज्यादातर लग रहा है कि कांग्रेस वापस रिपीट होने में है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ कांग्रेस में ही गुटबाजी चल रही है क्योंकि एक तरफ सीएम फेस में अगर अशोक गहलोत है तो दूसरी तरफ
उन्हीं के अगेंस्ट में सचिन पायलट का भी हम देख रहे हैं कि मुद्दा नजर आ रहा है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इस बार सरकार कौन सी बनेगी, क्योंकि जहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों में गुटबाजी हो रही है, वही बीजेपी में भी ऐसा नजर आ रहा है कि पहले वसुंधरा राजे को लिया जाता था और काफी उत्सुकता भी नजर आती थी, लेकिन अभी वो भी इससे बीजेपी कार्यकर्ता भी आजकल वसुंधरा राजे को लेकर काफी खुश नहीं है। जी मंजू जी, जैसा कि आपने बताया कि दोनों पार्टियों में इस समय गुटबाजी चरम पे है, लेकिन मोदी जी ने जो अपने दौरे हुए उनमें क्लियर एकता का संदेश दिया है और कहा है कि सीएम के लिए कोई ना लड़े, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस सरकार का जो आला कमान है वो इन दोनों को साधने में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया है। कंटिन्यू जो लगातार उनमें गुटबाजी है वो दिखाई दे रही है। अभी ही जब गांधी जयंती के अवसर पे सचिन पायलट और अशोक गहलोत सामने थे तो दोनों ने एक दूसरे को इस तरह से जो नदारद किया, एक दूसरे को इतना इग्नोर किया कि लगा नहीं कि ये वही नेता है। हाँ, ये सब तो लग रहा था, लेकिन अगर हम तीसरी बार देखा जाए कि अभी दो पार्टी के अलावा अभी आम आदमी पार्टी भी नजर आ रही है, सब अपनी अपनी तरफ से आज जो संवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का राजस्थान में वर्चस्व इतना है जितना पंजाब और दिल्ली में जैसे सरकार रही तो है? कहना मुश्किल है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार बीजेपी को ज्वाइन करती है या कांग्रेस को ज्वाइन करती है ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार अगर हमने देखा था कि गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहां पर आम आदमी पार्टी के जो वोट बैंक थे वो कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हुए थे, और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो कांग्रेस बीजेपी को ही साध रही है, तो अभी कहना मुश्किल हो रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ है या बीजेपी की तरफ है या